हाय तेजवान, तेजवान क्या बोला मैं समझ नहीं पाया। क्विज? कौन सा क्विज? आई डोंट रिमेम्बर, आज क्विज नहीं करेंगे। आज क्विज नहीं करेंगे, क्विज विल डू कल, या कल कर सकते हैं। कल नहीं, जो हमारा वेंसडे फ्राइडे वाला होगा ना, फ्राइडे में क्विज करेंगे। Today we will learn about array, the new concept. Meanwhile, if you people have any doubt, then you can ask. Not particular, anyone, if you want to say something. Sir. Hello. सर एग्जाम्स में सी प्रोग्रामिंग की थ्योरी किस टाइप से आई थी? बताएगा अभी तुम लोग, एग्जाम थोड़ा ना आएगा, जनवरी में मिड टर्म है ना सर मिड टर्म जनवरी में? मेरे हिसाब से ओके सर, तुम लोग एग्जाम नहीं होगा अभी, बस ओके। उसका बैच फॉर्चुनेट है, वो अनफॉर्चुनेट वो कैसे अपॉर्चुनिटी में चेंज कर। सर आपकी वॉइस कट हो रही है। आज थोड़ा कट हो सकती है बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, ठीक है। और एक्चुअली तुम लोगों को ज्यादा पढ़ने को मिलेगा सी प्रोग्रामिंग में। आई थिंक जितना तुम लोग सीख पाओगे, आई डोंट थिंक एनीवन इवन बीटेक स्टूडेंट्स कैन नॉट लर्न दैट मच, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत टाइम मिला। And the one good thing about this batch is you people are responsive. So ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। Whenever I ask something, you people respond, and that makes me happy. Okay. Any issue? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? General programming पढ़ लिया, फिर से decision making, if else statement use करना सीख लिया, basics। देखो अभी हम लोग उसको रिविजिट करेंगे, उसमें और अपने नॉलेज को शार्प करेंगे, लेकिन हमें एटलीस्ट इंट्रोडक्टरी कैसे किस चीज को यूज करना ये हम जानते हैं ना। वी नो हाउ टू यूज लूप, एंड इन दैट सेंस वी नो व्हाइल लूप, फॉर लूप, एंड बेसिकली दीज टू लूप्स आर डोमिनेटिंग, एंड दैट वी नो हाउ टू यूज। कंडीशन कैसे पुट करते हैं हमने सीख लिया। वी हैव सीन ऑलरेडी हाउ टू यूज फंक्शन एंड व्हाई वी शुड यूज फंक्शन। Both things are clear till date, and we have also seen what is pointer and how to use pointer with function to some extent we have used. ठीक है, अभी और भी उसका broad use हम लोग आगे करेंगे। So today we will move forward and see something more on C programming. अभी C programming में कुछ चीजों को छोड़ रहा हूँ, कुछ चीज नए concept इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बस एक बार पढ़ाने से मेरा और आपका दोनों का ही जावास्क्रिप्ट में भी हेल्प हो जाएगा। जब हम लोग
पीएचपी में बढ़ेंगे तो पीएचपी में भी सेम कॉन्सेप्ट है, सो दिस विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दोज कॉन्सेप्ट. ओके चलो आज कुछ नया देखते हैं. स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर. यस सर. गुड. यस सर. हाँ ठीक है, थैंक यू. सो वी विल सी समथिंग अरे. अब देखो हमारे पास पहले से क्या था, एक इंटीजर था ना, इंटीजर ए होता था. ए एक सिंगल मेमोरी लोकेशन होता था. सिंगल मेमोरी लोकेशन में हमारे पास इसका कोई एड्रेस होता है और द मोमेंट वी राइट समथिंग ये वो वैल्यू को कंटेन करता है. ठीक है. लेटर वी हैव सम काइंड ऑफ कैर बी ऐसा होता है बी, और इसका भी अपना कोई एड्रेस होगा. और द मोमेंट वी पुट समथिंग इन बी वी हैव दैट एलिमेंट हेयर. फिर हमारे पास फ्लोट होता है, फ्लोट सी. ओके अभी सी में हम इसका कुछ अपना एड्रेस होगा और जब ही हम लोग सी में कुछ वैल्यू रखेंगे 5.7 तो ये 5.7 यहाँ पे आ जाएगा. इसका मैं कितना मेमोरी ये यूज कर रहा है, अगर हम लोग टर्बो को देखें तो 2 बाइट और अगर लेटेस्ट कंपाइलर्स को देखें तो वी हैव 4 बाइट मेमोरी ये कंज्यूम करता है. ये 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करता है और ये भी 4 बाइट ऑफ मेमोरी कंज्यूम करता है. थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. सर ये याद रखना पड़ता है साइज. हाँ 4 बाइट ही तो याद ही रखना है जनरली. अभी 4 बाइट को अगर हम लोग समझे तो हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि ये जो इंटीजर है वो देखो हमारा 32 बिट का कंप्यूटर होता है. तो देखो अगर हम इसको 4 बाइट में कन्वर्ट कर दें, ये एक समझो बॉक्स साइज है हमारे रैम का एक पोर्शन है. ये हमारा रैम है और रैम का इस बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक है तो ये बॉक्स कितना बड़ा है, दिस इज ऑफ साइज 32 बिट. इस एक बॉक्स में स्टोर हो सकता है 32 बिट मीनिंग नथिंग बट द 4 बाइट. क्यों? क्योंकि 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट एंड फॉर दैट एनालॉजी 32 बिट कितना हो जाएगा, 4 बाइट हो जाएगा. तो ये हमारा 4 बाइट है. तो अभी ये जो एड्रेस लिखते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा डेप्थ में हम लोग चलते जा रहे हैं धीरे धीरे. तो ये एड्रेस एक्चुअली किसका एड्रेस है, एड्रेस ये पूरे का एड्रेस है ना किसका एड्रेस है? एक्चुअली ये जो एड्रेस होता है ना पूरा जो कंप्यूटर का जो मेमोरी है वो ध्यान देना यहाँ इस बाइट एड्रेस है. बाइट एड्रेसेबिलिटी का मतलब है कि 1 एड्रेस इज गिवेन टू एवरी बाइट. एड्रेस इज गिवेन टू एवरी बाइट. हर बाइट को एड्रेस देते हैं. अब इसको कैसे समझेंगे, इसको और लिनियंट तरीके से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे देखते हैं कि मान लिया कि एक कॉलोनी है. ठीक है इस कॉलोनी में ढेर सारा घर है. ठीक है अब इस कॉलोनी में क्या है, कुछ सेक्टर्स बने हुए. ये एक सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा सेक्टर है. देयर आर 3 सेक्टर्स इन दिस कॉलोनी. अभी हम लोग ऐसा तो नहीं बोल कर सकते हैं कि ये सेक्टर 1 का हाउस नंबर 1, सेक्टर 2 का हाउस नंबर 2. तो ये जो हाउस है ये अगर सेक्टर 1 है, ये हाउस नंबर 1 है, ये 2 है, तो वी कैन से 1 of 1, 1 of 2. सिमिलरली 2 of 1 अगर ये सेक्टर 2 है और सेक्टर 3 है तो 2 of 2, 2 of 3. ठीक है 3 of 1 सॉरी ये 2 ही है सेक्टर 3 में, 3 of 1, 3 of 2, 3 of 3. ऐसा कर सकते हैं एड्रेसिंग. लेकिन हम इसके बदले हाउस नंबर से भी एड्रेसिंग कर सकते हैं. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2 सेक्टर्स को भूल जाते हैं, देर आर नो सच सेक्टर्स. हाँ सेक्टर्स आर जस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन. लेकिन हाउस की नंबरिंग हम लोग एक एब्सोल्यूट नंबर से करते सकते हैं. ठीक तो यही कॉन्सेप्ट हमारा रैम में भी यूज होता है. हम क्या करते हैं इसको 1 बाइट मानते हैं, यानी हर 8 बिट को एक एड्रेस देते चलते. तो यहाँ पे अगर हमारा
ये है 32 बिट है, तो इस बिट का अपना एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा, इसका एड्रेस होगा। फिर अगला जो चार, हर 8 बिट का, इसका अपना एड्रेस होगा, इसका अपना एड्रेस, सबका अपना अपना एड्रेस होगा। यानी हम लोग एड्रेस किसको दे रहे हैं, हर बाइट को दे रहे हैं, एक बाइट को एड्रेस दे रहे हैं। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि 4 बाइट को एक सिंगल एड्रेस देते, ऐसा भी कर सकते थे कि इस चारों को मिलाकर हम लोग एक एड्रेस इसको दे, सपोज 1010 ना, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, हम लोग इंडिविजुअल बाइट को एड्रेस देते हैं, 1 2 3 4 इसका एड्रेस होगा 1010, इसका एड्रेस होगा 1014, इसका होगा 1018 एंड 1022। तो हर इंडिविजुअल बाइट का अपना एड्रेस होता है, दैट इज व्हाट बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, बाइट एड्रेसेबल मेमोरी, ऐसा मेमोरी जिसमें हर बाइट को एड्रेस दिया गया। तो अब जब हमारा इंटीजर 4 बाइट का है तो हर बाइट का एड्रेस होगा, तो इसका ये एड्रेस होगा स्टार्टिंग पॉइंट ना, और इसका, इस बाइट का अपना एड्रेस होगा 1418 एंड 1022। ठीक, इसमें हम 5 स्टोर करते हैं। 5 कैसे स्टोर करेंगे, यहाँ पे 8 बिट होगा तो ये सारा बिट क्या होगा, जीरो होगा, ये सारा बिट भी जीरो होगा, ये सारा बिट भी जीरो होगा। इसके बाद 3 4 5 6 7 8, ये दिस इज 5, यही 5 है ना। पहले कितना सारा भी जीरो लगा देंगे, नंबर्स में तो कोई डिफर नहीं करेगा। सो इज देयर एनी क्वेश्चन, नो, ठीक है। तो ऐसे 5 स्टोर करते हैं। अगर हमें ए स्टोर करना है सिमल्टेनियसली, तो ए हम लोग कैरेक्टर सेट में देखेंगे, जब हम लोग कैरेक्टर को स्पेशली हैंडल करेंगे तो देखेंगे कि इसको इतना ही स्पेस लगता है, एक ही बाइट में ये ए स्टोर हो जाता है ना। अब ये इसको कैसे बाइनरी में इनकोड करते हैं इज अ डिफरेंट प्रॉब्लम, अभी हम इस पे जा ही नहीं रहे। और फिर से जब हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट में जाएंगे तो फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो भी 4 बाइट लेता है अपने को स्टोर करने के लिए। सो दिस इज 3010 3014 3018 3022, और इसमें कैसे करके हमारा 5.7 होगा, 5.7 का जो इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर होगा। सो इसका इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर रिप्रेजेंटेड यूजिंग 32 बिट। ये देखो 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 5 को जनरली हम लोग 3 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये इसका 32 बिट रिप्रेजेंटेशन है, कंपलसरी है, इतना हमें करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो ऐसे ही काम करता है, ऐसे ही डिफाइन किया गया, और हार्डवेयर जो हमारे पास है वो ऐसा ही अवेलेबल है, इसीलिए इट डिपेंड्स ऑन हार्डवेयर। अभी किसी को इश्यू है इतने में तो पूछो। एनी डाउट, क्वेश्चन आ रहा है, क्लियर एवरीवन? इफ इट इज क्लियर देन से क्लियर। क्लियर, गुड गुड, प्रखर क्लियर, मानव क्लियर, रिजवान इज क्लियर सर। इफ इट दिस इज ऑफ 64 बिट, सो इट विल 64 बिट डिपेंड करेगा कंपाइलर के बिट पे बच्चे हुसैन ना, ये मैं आपके कंप्यूटर के बिट की बात नहीं हो रही है, ये कंपाइलर के बिट की बात हो रही है, और उसको भी हम लोग कंपाइलर थोड़ा सा क्लियर नहीं है अभी आप लोगों का, कंपाइलर मैं अलग से डिस्कस करूंगा। अभी मेरा ऑब्जेक्टिव था कि फर्स्ट राउंड में आप लोग प्रोग्रामिंग में कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर प्रोग्रामिंग समझेंगे तो कंपाइलर के बारे में जब मैं बताऊंगा तो आप आराम से समझोगे बात, ठीक है। तो अभी इसने में मैंने बस इतना ही बताया कि मेरा इंटीजर कैरेक्टर और फ्लोट जो होता है वो 4 बाइट 1 बाइट और 4 बाइट का होता है, इतना मेमोरी लेता है, और जब हम यहाँ पे एड्रेस लिखते हैं तो वो कौन सा एड्रेस होता है, तो जो फर्स्ट बाइट का एड्रेस होता है वही एड्रेस हम लोग जनरली लिखते हैं ना? लेकिन एक्चुअली इसके पास कितना होता है, 4 बाइट, मतलब 4 एड्रेस, 4 एड्रेस पे रखा हुआ रहता है, वो भी 4 एड्रेस कंसेक्यूटिव एड्रेस होते हैं, और इसको एक ही एड्रेस की जरूरत पड़ती है, इसको भी 4 एड्रेस की जरूरत पड़ती है। तो मेरा ये कहना था कि एक इंडिविजुअल बिट को एक एड्रेस देते हैं। अब ध्यान से सुनो, लेकिन हम लोग जब कभी भी इंटीजर को जनरली यूज करते हैं तो इसका जो पहला बाइट का जो एड्रेस होता है वही बाइट हमारा इंटीजर का एड्रेस होता है,
सिंस वी नो, अब पूछोगे कि सर ये सब एड्रेस कैसे पता चल जाता है कंप्यूटर को, ऑब्वियस है कि पहला एड्रेस पता है और यहाँ से 4 बाइट तक इसको स्टोर करना है, तो अगला 4 बाइट का जो एड्रेस है वो कंप्यूटर समझ जाता है कि इसी का एड्रेस है, तो ये सारे एड्रेस को मेंशन नहीं करना पड़ता है. वी राइट दिस, अ कंप्यूटर नो दिस. तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से कंप्यूटर को पता चल जाता है कि 5 कहां से कहां तक स्टोर्ड है. क्लियर? अभी आते हैं आगे. इसमें क्या प्रॉब्लम था हमारे साथ कि हम एक इंटीजर वेरिएबल में या फिर हमारा एक कैरेक्टर वेरिएबल था, एंड इफ वी हैव ए फ्लोट वेरिएबल, सो एवरीवेयर वी कैन स्टोर ओनली वन वैल्यू एट ए टाइम. वन वैल्यू एट ए टाइम का मतलब अगर हमारा ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हम लिखते हैं ए इक्वल टू 5, ए में क्या चला गया? 5 चला गया. अगर बाद में लिखते हैं ए इक्वल टू 6, तो ये 5 हट जाएगा और फिर 6 चला जाएगा. एंड लेटर वी विल से ए इक्वल टू 7, तो ये 6 हट जाता था और यहाँ पे 7 चला जाता था. यानी एक टाइम में हम एक ही वैल्यू रख सकते, ये इशू था. लेकिन हमारे पास बहुत सारी ऐसी रिक्वायरमेंट आएंगी इन फ्यूचर की हमें एक बार में बहुत सारी वैल्यूज को रखना. जैसा एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. सपोज किसी ने तुम्हें बताया कि तुम्हें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को स्टोर करना, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को तुम स्टोर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ठीक है? तो हमें कितने 10 वेरिएबल चाहिए. ए में स्टोर करेंगे 5 को, 1 को, बी में स्टोर करेंगे 2 को, इफ दे आर इंटीजर, दे ऑल आर इंटीजर. लाइकवाइज हम 10 तक स्टोर करेंगे. अगर यही बोले कि टू स्टोर 100 नेचुरल नंबर, तो 100 वेरिएबल का रिक्वायरमेंट होगा. इफ सबल से 1000, तो हमें 1000 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी. और इतने वेरिएबल को याद रखना, प्रोग्राम में यूज करना इज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल. दो इट इज पॉसिबल बट नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल. तो सॉल्यूशन क्या, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम लोग एक ही वेरिएबल का यूज करें और उसमें ढेर सारी वैल्यू स्टोर करके रख सकते ना. अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसमें एक ही में हर टाइप के वेरिएबल, आई एम आस्किंग नंबर ऑफ वेरिएबल. देयर आर दिस, सी देयर आर डिफरेंस. कि मेरा अभी तक क्या था, अभी तक हमारे पास एक पाउच था, एक पाउच में हम एक वैल्यू रख रहे थे. लेकिन हमारे पास अब एक बैग हो सकता है जिसमें हम ढेर सारा वैल्यू रख सके, 1000 वैल्यूज रख सके ना. और आगे जाके हमें एक ऐसा पाउच मिलेगा जिसमें हम 10 इंटीजर रख सके, 50 कैरेक्टर रख सके और फिर 100 फ्लोट रख सके, ऐसा भी होगा पाउच. तो दिस इज अनदर पाउच और बॉक्स ना, दिस इज अनदर काइंड ऑफ बॉक्स एंड दिस इज अनदर काइंड ऑफ बॉक्स. दिस इज होमोजीनियस बॉक्स, ठीक है? एंड दिस इज बॉक्स 0, से बॉक्स 1, दिस बॉक्स 2 एंड दिस इज बॉक्स 3. बॉक्स 1 एक वैल्यू रखता है एक बार में, बॉक्स 2 कितनी सारी वैल्यूज रख सकता है, बट ऑल आर ऑफ सेम टाइप. सेम टाइप से मतलब है कि या तो टोटल 1000 इंटीजर होगा, या फिर 1000 कैरेक्टर होगा, या फिर 1000 फ्लोट होगा. कुछ भी हो, हमारा टाइप एक ही टाइप का डेटा रखेंगे, रख सकते हैं, लेकिन एक ही वेरिएबल के नेम से, ए से ही, ए नेम से बहुत सारा, एक वेरिएबल में ढेर सारा वैल्यू रख सकते हैं, बी में ढेर सारा कैरेक्टर रख सकते हैं, सी में ढेर सारा फ्लोट रख सकते हैं. सो ये सिचुएशन हमारा जो है, इस सिचुएशन को हम लोग एरे बोलेंगे. और ये सिचुएशन जो है बॉक्स 3 का, इसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि एक ही वेरिएबल नेम में, ए में, अलग अलग टाइप का हम कैसे वैल्यूज कीप कर सकते हैं, ठीक है? तो पहले हम लोग इस पे एम्फेसाइज करते हैं. सो वी शुड नो, वी नो कि व्हाट इज एन एरे. वी नो एरे के बारे में पहली बात कि कैन स्टोर मल्टीपल एनी नंबर ऑफ वैल्यूज,
एनी नंबर ऑफ वैल्यूज, पहली बात. दूसरी, टाइप ऑफ ऑल वैल्यूज स्टोर्ड इन एरे आर सेम, एक ही टाइप के वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं. ठीक, ये दो फैक्टर है हमारे पास. तो सबसे पहले एरे को डिक्लेयर कैसे करेंगे, जैसे हमारे पास अभी तक क्या क्या था. अब मैं इंटीजर पे डिस्कस करता हूँ. इंट ए दिस इज ए जनरल वेरिएबल, और इंट स्टार ए दिस इज ए पॉइंटर वेरिएबल. ठीक, इन सिमिलर वे वी हैव टू डिक्लेयर एन ए विच इज एरे. अब ए में अभी तक तो जब कुछ नहीं लिखते थे तो एक वैल्यू स्टोर करता था. अभी ए में अगर हमें 10 वैल्यू स्टोर करना है सो वी शुड से 10. अगर हम लोग ऐसा डिफाइन कर देते हैं, है ना, ए के बाद एक ब्रैकेट में, ये बड़ा वाला ब्रैकेट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें हम जो भी वैल्यू लिख देंगे, अगर ऐसा कुछ लिखते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ए एक ऐसा वेरिएबल है. मैं इसको अपने शॉर्ट हैंड के लिए 5 ले लेता हूं. इसमें कितने हैं, 5 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. अभी ये है ए, दिस इज ए. ठीक, अब इसके पीछे इंट लगने का मतलब कि इसमें जितने भी वैल्यूज हैं, ये पहला इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर, ये तीसरा इंटीजर, ये चौथा इंटीजर, ये पांचवा इंटीजर. मीनिंग ए कैन स्टोर 5 इंटीजर. सपोज यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है, 2 है, 1. सो 5 डिफरेंट इंटीजर ये स्टोर कर सकता है. अभी ये बॉक्स नंबर 0th इंटीजर, फर्स्ट इंटीजर, सेकंड इंटीजर, थर्ड इंटीजर, फोर्थ इंटीजर. सिंस काउंटिंग कंप्यूटर में 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर में, इसलिए 0 से काउंट करते हैं. तो 0th बॉक्स, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स एंड फोर्थ बॉक्स. सो टोटल वी हैव 5 इंटीजर. अभी अगर हमें इस इंटीजर को का नाम क्या होगा, तो ए का 0 बोल सकते हैं ना, ए का 1, ए का 2. तो इसको लिखते हैं ऐसे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 एंड ए ऑफ 4. सभी समझिए, दिस इज डिक्लेरेशन. व्हेन यू विल डिक्लेयर एन एरे, अगर तुमको किसी ने कहा कि कैसा एरे बनाओ जिसमें मैं 5 वैल्यू को रख सकूं, तो तुम ऐसा लिखोगे, इंट ए 5. ऐसा होते ही, ऐसा लिखते ही इतना बड़ा मेमोरी रिजर्व हो जाएगा. अभी देखो इसमें इसका साइज कितना होगा, ए का साइज ऑफ ए क्या होगा, कौन बताएगा? 4 bit. Same as Python, Hussein. हाँ, array हर जगह same है. ये concepts हैं, सब basic concepts. हर जगह array same ही होगा. देखो, इसमें कितने integer हैं? इसमें 5 integer है ना? 5 integer हैं. और एक integer का size कितना है? 4 byte. तो 5 integer का size कितना होगा? 20 byte. तो 20 byte इसका size होगा. 20 byte. ठीक है? तो हम ऐसा लिखते हैं. और अगर हमें एरे डिक्लेयर करना होता है तो हम एरे के बाद साइज देना मस्ट है, ये बात याद रखना. ये कॉन्स्टेंट वैल्यू ही होनी चाहिए, देना ही पड़ेगा द मोमेंट वी आर डिक्लेयरिंग. सो दिस इज द डिक्लेरेशन पार्ट, दिस ऑल आर डिक्लेरेशन. ठीक है, ये नॉर्मल वेरिएबल, ये पॉइंटर वेरिएबल, ये एरे वेरिएबल. ठीक है, अभी ये हमारा नॉर्मल वेरिएबल है 1010, इसमें कोई वैल्यू है. ये हमारा पॉइंटर वेरिएबल है, इसका अपना कोई एड्रेस है, और इसमें क्या रखता है, ये किसी ने किसी का एड्रेस रखता है ना. सपोज अभी 1010 रखता है, नो मैटर. कंफ्यूजन को हटाने के लिए मैं इसको बी और सी लिख देता हूँ. ठीक, और जब कभी भी हमारा एरे डिक्लेयर होगा तो वो ऐसा डिक्लेयर होगा, 1 2 3 4. इसका नाम है सी, ये इसका 0th इंटीजर है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्योंकि इसमें 5 साइज है. और इसका एड्रेस होगा 3010, ये पहला इंटीजर है. अगले इंटीजर का एड्रेस क्या होगा, 3014, 3018, 3022, 3023.
26 ना, क्योंकि पहला इंटीजर, अगला इंटीजर कितने, 4 बाइट के बाद 3014, नेक्स्ट इंटीजर फिर 4 बाइट के बाद, क्योंकि इसका साइज 4 बाइट है, फिर इसका भी साइज 4 बाइट है, ये भी 4 बाइट का है, ये भी 4 बाइट का, ये भी 4 बाइट का, 4-4 बाइट्स के 4 इंटीजर, 5 इंटीजर हमारे पास है, इसलिए टोटल साइज इसका कितना है। अच्छा तो अभी इसमें देखो लिटरली समझो कि ये बहुत ही वैसा ही कॉन्सेप्ट, जैसे हम लोग अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं भी होता तो हमको अगर यूज करना होता तो हम लोग ऐसा कुछ बना लेते खुद का, दैट यू कैन ऑल्सो इमेजिन, क्योंकि ये इवोल्यूशन था उस टाइम प्रोग्रामिंग का, तो वहां भी लोग ऐसा ही सोचते थे। अगर तुम्हें भी डे टू डे लाइफ में कोई ऐसी चीज की जरूरत हो, जैसे तुमने सपोज कोई कॉलोनी बनवाई तो तुम्हें अगर नंबरिंग करना हो तो तुम भी इसी टाइप का चीज यूज करते हो, लॉर्ड लोग भी इसी टाइप का यूज करते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी यूज करते हैं ना। लेकिन ये चूंकि प्रोग्रामिंग अप्रोच है तो इसमें हमको लगता है अच्छा इसको फॉर्मली लिखा जा रहा है, इसको हम लिखते हैं मैथ में, नोटेशन देते हैं, तो हमें बहुत भारी भरकम कॉन्सेप्ट लगता है, बट दिस आर नॉट दैट मच हेवियर। सपोज एक देर इज ए गार्डन, ठीक है, तुम्हारे घर के पास है ना, वो गार्डन है, गार्डन में देर आर डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, बहुत सारे पेड़ है, मैंगो ट्रीज है, तो ये वेराइटी 1 है, ये वेराइटी 2 है, अलग अलग वेराइटीज के मैंगोज, तो तुम इजीली बोलते हो ना कि ये वैरायटी का ये फर्स्ट मैंगो, सेकंड मैंगो एंड थर्ड मैंगो, लाइक दैट। वैसा क्या हमारा कि ये सी एक वेरिएबल है, सी एक बड़ा वेरिएबल है, ये अपने साथ में बहुत सारे वेरिएबल को रख सकता है। अब अगर इंडिविजुअल को एक्सेस करना हो, सपोज हमें इसमें वैल्यूज, देखो जब हमें इसको डिक्लेरेशन तो सीख गए, अब हमें दो चीजें सीखनी है कि हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट and second is how to get element, इसमें डाल value रखेंगे कैसे और इसमें से value निकालेंगे ना, ये दो चीजें important है। तो देखो simple convention, अगर हम इसको एक बहुत ही layman convention use करें तो एक ऐसा होगा, मैं program लिखता हूँ, let us use code block to be far better for us, थोड़ा सा विजुअलाइज मिल जाएगा। अरे लेक्चर 40 मिनट्स में मजा नहीं है। तो वी शुड ओपन अ न्यू फाइल एंड आई नीड टू सेव इट, एंड वी शुड सेव इट देन वी कैन फ्रॉम डे 1 डे 2 Now it is visible. ठीक है, नहीं समझ में आया तो पूछना है मुझसे, ठीक है, साइडल नहीं बैठना। अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक एरे को डिक्लेयर करना है, तो वी विल से इन, एक नॉर्मल वेरिएबल है, ठीक है, इंट ए। अभी हमें एक एरे को डिक्लेयर करना है, तो वी विल से इंट बी, इंट बी, और बी में क्या देना पड़ेगा, हमें साइज देना पड़ेगा, सपोज 5 साइज का, तो दिस इज एन एरे, ठीक। अभी हम एरे में वैल्यू डालेंगे, तो इस एरे में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो 5 एलिमेंट में पहला एलिमेंट क्या है, बी ऑफ 0, तो बी ऑफ 0 इक्वल टू 1, ठीक है, बी ऑफ 1 इक्वल टू सपोज 5, तो ऐसे ऐसे करके हम जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये बी ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, मगर प्रोग्रामेटिकली अगर हमें एट ए सिंगल गो अगर सबको एक्सेस करना हो तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेट मी कुड सी हियर। देखो या तो हमारे पास अगर एक एरे है ए ऑफ 3, तो ए ऑफ 3 अगर हमारे पास ये इंटीजर एरे है ए ऑफ 3, तो ये इतना बड़ा होगा एरे, इसमें 3 एलिमेंट होंगे 0, 1, 2, इसका नाम होगा ए, सो इसको मैं बोल सकता हूँ ए ऑफ 0 इक्वल टू 1, यहाँ 1 आ जाएगा, ए ऑफ
वन इक्वल टू टू, टू आ जाएगा, और ए ऑफ टू इक्वल टू फाइव, ए ऑफ फाइव आ जाएगा। सो ये एक जनरल कन्वेंशन है। लेकिन क्या, अब देखो काम एक ही हो रहा है तो हम इसको फॉर लूप से कर सकते हैं। तो फॉर i इक्वल टू, इसको i मानते हैं जीरो वन टू, सो जीरो से लेके i इज लेस देन इक्वल टू टू, i प्लस प्लस या i इक्वल टू i प्लस वन, जो भी लिखे। हमें क्या करना है, देखो चेंज क्या हो रहा है, a ऑफ जीरो, a ऑफ वन, a ऑफ टू, सो वी कैन से a ऑफ, और वी कैन से प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, ठीक है, एंड देन स्कैन एफ, ठीक है, एंड स्कैन एफ वी कुड से परसेंटेज डी। हमें कितनी बार स्कैन करना है, तीन बार स्कैन करना है, तीनों ही बार क्या स्कैन करना है, इंटीजर स्कैन करना है, इसलिए ये लिखा। अब इंडिविजुअल वेरिएबल का नाम क्या है, इस वेरिएबल का नाम, हर वेरिएबल, देखो एक एरे तो बड़ा वेरिएबल है, इस वेरिएबल के अंदर ये तीन छोटे छोटे वेरिएबल, उस तीनों छोटे वेरिएबल्स का नाम क्या है, एक का नाम है af0, एक का नाम है af1, एक का नाम है af2। तो af0, तो af i अगर हम लिख ले, then I should mention ampersand, ना? पहले जैसे हमारा वेरिएबल a होता था, अभी a of i उस वेरिएबल का नाम है, तो पहली बार i की वैल्यू जीरो आएगी, तो जीरो स्कैन होगा। इसमें देखो क्या होगा, जब i की वैल्यू जीरो होगी, जब i की वैल्यू जीरो होगी तो पहले प्रिंट होगा एंटर वैल्यू, तो यूजर जो भी वैल्यू देगा वो a of i यानी a of जीरो में चला जाएगा। फिर जब i की वैल्यू वन होगी तो फिर यूजर से बोलेगा वैल्यू डालने के लिए, तो वो जो भी वैल्यू देगा वो कहाँ चला जाएगा, a of वन में, विल गो टू a of वन। एंड जब टू होगी तो वैल्यू कहाँ चला जाए, चली जाएगी a of टू में, है ना। सो दिस इज द केस, वी कैन टेक इनपुट इन एन एरे, और आउटपुट लेने के लिए भी क्या करना है, ये तीनों वेरिएबल को लगातार प्रिंट कर देना है, सेम लूप चलेगा। मगर इस टाइम हमें क्या करना है, a of i को प्रिंट करना है, सो वी विल से प्रिंट एफ परसेंटेज डी a of i, खत्म। सो दिस इज द वे लूप यूज करके हम लोग एरे को प्रिंट करते हैं या फिर उसको स्कैन करते हैं, क्योंकि हमें बार बार बहुत सारी वैल्यूज को स्कैन करना है ना। तो देखो what we can write here is, for, अभी इसके बाद तुम लोग का लेक्चर है क्या? Yes, sir. कौन सा? मैथ्स का। printf slash n enter value, ठीक है, और scanf, scanf एकदम सेम वैसा ही है ना जैसा हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, परसेंटेज डी, बस वेरिएबल का नेमिंग कैसे करना है ये चेंज हो गया है यहाँ, एम्परसेंट बी इसका नाम है ना, बी ऑफ आई, बी ऑफ आई। सो दिस इज आवर प्रोग्राम, लेट अस रन इट फर्स्ट, सी इफ देयर इज एनी एरर, आई इज नॉट डिफाइंड, सो आई शुड डिफाइन आई, ओके। So program is working. 2 enter किया, 3 enter किया, 4 enter किया, 5 enter किया, 1 enter किया, 6 enter किया, ठीक है, कितनी values लिया, 5 values लिया ना, यहाँ less than equal to नहीं बोलना चाहिए क्योंकि हमें 0 से start हो रही है, 6 values ले रहा ना, 3 3 6, तो that we should not say। अभी हम मुझे इसको print करना है, फिर से मैं इस program को next class में बताऊंगा, as introduction introduce कर रहा हूँ, तो simply मैं इसको copy करता हूँ क्योंकि अपना काम exactly same है, बस हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, एंड वी शुड प्रिंट इट लाइक एम्परसेंड डी, और प्रिंट करने के बाद हम एक टैब स्पेस ले लेते हैं और ए ऑफ आई को प्रिंट करने से देखते हैं क्या आ रहा है, तो प्रिंट क्या बोल रहा है, values neither array nor pointer nor vector a of i, sir b आएगा ना, sorry yes b आएगा, ठीक है, यहाँ मैं slash t लेना ही चाहिए था,
मैं वैल्यू डालता हूँ 2, 4, 6, 8, 9 और नीचे वैल्यू प्रिंट होगी 2, 4, 6, 8, 9 ना। तो अगर मैं इससे पहले लिख दे वैल्यूज एरे, एरे क्या है ये मेरा एरे है, मैं यहाँ पे स्लैशर ले लेता हूँ ठीक है, नहीं यहाँ स्लैशर नहीं लेंगे ठीक है। तो मेरा देखो 1, 2, 3, 4, 5 एरे ये बार बार प्रिंट हो रहा है, सो वी शुड रिमूव दिस फ्रॉम हियर ना। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेता हूँ printf स्लैश एन अरे क्या है ये है होगा ठीक। सो नाउ वी कुड रन दिस, यू कैन सी सो अरे क्या है 1, 2, 2, 2, 3, 4 दैट यू कुड सी ठीक है ना। तो एरे में एरे को डिक्लेयर करना, एरे में वैल्यू को इनपुट करना और एरे को प्रिंट करना। सिंस एरे में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं सेम टाइप के एलिमेंट को एंटर करना है, तो पहले जैसे एम्परसेंट बी लिखते थे अब बी ऑफ आई, क्यों? क्योंकि एरे एक एरे है, इसमें अगर 3 साइज का है तो इसमें 3 वेरिएबल है और हर वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया जाता है उसके इस इंडेक्स नंबर से एक्सेस किया जा सकता है। एनी डाउट? कुछ डाउट होने से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको डील करेंगे आगे। मीनवाइल अभी जितना बताया इसमें कुछ डाउट है तो पूछिए। सर इफ वी डिक्लेयर एरे एज कैप देन इट विल गेट एड्रेस विद कैप ऑफ 1 बिट। हाँ दिस वन राइट, एक एक बिट के गैप से लेगा। सर बिना लूप के स्कैन और प्रिंट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं लेकिन उतना सारा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जतिन, वो भी मैं करके दिखाऊंगा। फंक्शन ऑफ ए हेयर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए हेयर हुसैन? कौन सा? नहीं नहीं मैं नहीं समझ पाया, कौन सा फंक्शन ऑफ ए? ए का कोई यूज नहीं, ए को हटा दो, ए का कोई मतलब नहीं था। ये उस ए वेरिएबल की बात पूछ रहे थे ना, मैंने हटा दिया उसको, मैंने ऐसे रखा था एक जनरल वेरिएबल डिक्लेयर किया था ना। सो गॉट इट ना, गुड 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 ओके। तो 3 चीजें हम लोगों ने देखी आज, एरे को डिक्लेयर करना, एरे को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, एक नॉर्मल वेरिएबल को ऐसे डिक्लेयर करते हैं ठीक है, और एरे में वैल्यू लेना होगा तो हमें लूप लेके लेना होता है ठीक है, लूप लेके नहीं भी ले सकते हो। देखो जतिन ने जो पूछा कि सर बिना लूप के नहीं कर सकते, लूप के बिना कर सकते हैं लेकिन अगर यहाँ पे बिना लूप के अगर हमें करना होता तो हम लिखते बी ऑफ 0 = 4 ठीक है, और ऐसा हम लोग रिपीट करते बी ऑफ 0 बी ऑफ 1 में वैल्यू रखते ठीक है, ऐसे करते करते हम सारे बी ऑफ 4 तक को फिल करते ठीक है, जितने जितने वैल्यूज है, क्यों? क्योंकि इसमें 5 है साइज तो इसमें क्या होगा 4 तक जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 ठीक। जैसे बी ऑफ 2 भी हमें फिल करना पड़ता, बी ऑफ 3 भी हमें फिल करना पड़ता ठीक है, ऐसा हमें फिल करना पड़ता। समझ में आ रहा है जतिन? लेकिन अगर यहाँ पे 100 दे दे तो कितनी बार फिल करोगे? ये इतनी सारी 100 लाइंस लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ही तो यूज लूप यूज करते हैं हम लोग ना, तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग लूप, नॉट एन कोई और रीजन नहीं है इसको करने का ठीक है। जतिन क्लियर? ओके थैंक यू, वी विल कंटिन्यू रेस्ट ऑफ द थिंग्स इन नेक्स्ट लेक्चर एंड ऑनवर्ड। एरे को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और फिर आगे रेस्ट ऑफ द सेक्शन को देखेंगे, क्योंकि एरे हमारा जावास्क्रिप्ट में भी यूज होने वाला है सेम, और पीएचपी में भी जाएंगे तो वहां पे सेम एरे हमारा फिर से यूज होगा। थैंक यू एवरीवन, वी विल हैव अ नेक्स्ट लेक्चर टुमारो। हाँ फ्राइडे में एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा दैट यू